हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग में और पैरामेडिकल में एग्जाम में 2020 एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो एंड तक वॉच करते रहिए। आपको मैंने पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए थे 61 क्वेश्चन तक, तो इस क्वेश्चन में हम आपको 62 से लेकर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे कृष्णा टॉप है यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया दिया कि मैंने क्वेश्चन से जो 61 हैं वो सॉल्व करवा दिए थे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। इसमें एक तरफ मैंने इंग्लिश मीडियम दे रखा है, एक तरफ हिंदी मीडियम, जो कि आपको अगर आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं तो भी आपको महत्वपूर्ण होगा और यूपी बोर्ड से भी हैं तो भी आपको यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 62 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पैरा मैग्नेटिक। और यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर हिंदी में हम आपको रीड करके सुनाते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है। फर्स्ट ऑप्शन है CO और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है O2 नेगेटिव, O2 माइनस। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर दे रखा है CN नेगेटिव और यहाँ पर माइनस। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है NO पॉजिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 62 नंबर का राइट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन, एकदम सही हो गया। मतलब O2 ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर O2 दे रखा है, मतलब O2 अनुचुंबकीय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर और ग्राफिट। मतलब निम्न में से किसकी ग्रेफाइड के समान संरचना है, किसकी ग्रेफाइड के समान संरचना है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है BN और सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है कैपिटल B और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रहा है B4C और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है B2H6। तो यहाँ पर 63 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा BN, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ग्रेफाइड के समान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं इसलिए मैं आपको इसे सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास और आपके पास इतना ही टाइम मिलेगा ऑनलाइन वक्त, क्योंकि आपका ऑनलाइन पर यहाँ पर आपका एक समय चलेगा और आपके क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होंगे और आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है कि सिलिकेन की मूल संरचनात्मक इकाई है, सिलिकेन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकॉन इज SiO- और SiO4, O4-4-, SiO2-3 और SiO2-4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब SiO4-4, मतलब जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4-4 है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स मंगवा लीजिए, जिसकी जो कि आपको 2020 एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत यूजफुल होंगे। और वो बहुत जो प्रैक्टिस वाले नोट्स हैं, अगर आप वो नोट्स मंगवाना चाहते हैं प्लीज़, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट हैं इसलिए, तो इसकी आपको अगर आप नोट्स चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलना कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको बहुत यूजफुल होंगे और जो 2020 एग्ज़ाम में आपका अच्छा से सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है कि बेजल्डी हाइड किस अभिक्रिया से नहीं बन सकती है। रिएक्शन बाय विच वेल्जी हाइड्रेट कनेक्ट टू बी प्रोपर्ड। मतलब यहाँ पर फर्स्ट बेंजीन दे रहा है, सेकंड बेंजीन, यहाँ पर थर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर अमोनिया COOH प्लस ZnHgCl+. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिविंग ऑक्सीजन इज द हीटिंग।
KCl2O3 ZnCl2 2 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
आया एन एच फोर कोष्टक बंद होल ट्वाइस सी आर टू ओ सेवन, तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। चलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 67 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है परमाणु दिया गया है। यहाँ पर सी बराबर 58, एस एम बराबर 62, ई यू बराबर 63 और बाई बी बराबर जो 70 दे रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि सी ई टू पॉजिटिव और एस एम टू पॉजिटिव और ई यू टू पॉजिटिव, यहाँ पर बाई बी टू पॉजिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब बाई बी टू पॉजिटिव राइट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि लैंथेनाइड आयन में प्रतिचुंबकीय परमाणु क्रमांक ये देख दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बाई बी टू पॉजिटिव ही बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट 68 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जलीय माध्यम में विलयता का सही क्रम क्या है। यहाँ पर क्रम दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सी यू एस एरो जेड एन एस एरो एन एन ए टू एस, यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका हम सही क्रम, ज़्यादा ना बकवास करते हुए सही क्रम की तरफ चलते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एन ए टू एस एरो जेड एन और एरो एस सी एस, मतलब इसका ठीक उल्टा, फर्स्ट ऑप्शन का ठीक उल्टा। चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है कि एक्स ई एफ टू निम्न में से किसके साथ संरचनात्मक है, मतलब किसके साथ संरचनात्मक है। यहाँ पर टी ई एफ टू दे रखा है, आई सी एल टू माइनस दे रखा है, एस बी सी एल थ्री दे रखा है, यहाँ पर बी ए सी एल टू दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब वन आई सी एल निगेटिव टू, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट 70 में पूछ रहा है कि 0.01 मोलर डाइक्लोरो एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के 100 ml बिलियन में AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई गई है, तो AgCl में अपशेषित होने वाले मोल की संख्या क्या होगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 0.001 होगी या फिर 0.002 होगी या फिर 0.003 होगी या फिर 0.01 होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो फर्स्ट होगा, मतलब 0.001 होगी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है विच ऑफ द डेज ऑफ लेटेस्ट काइंडली ऑफ द एक्ट ऑफ लुइस वेस, मतलब निम्न में से किसकी सबसे कम लुइस क्षार की तरह व्यवहार करने की संभावना होती है, मतलब निम्न में से सबसे कम लुइस क्षार की व्यवहार की करने की क्षमता संभावना होती है। सी यू फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एफ ई एफ माइनस और यहाँ पर बी एफ थ्री, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पी एफ थ्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 71 का राइट ऑप्शन होगा थर्ड यानी एफ बी एफ थ्री, तो राइट ऑप्शन थ्री होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ। 72 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि निम्न क्रिया के अनुसार K2MnO4 से KMnO4 बनाया जा सकता है, जिसमें 3MnO4 2 MnO4 2- पॉजिटिव N2H2। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रीड कर लीजिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2019 में आया था, 100% क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसे रीड करना है, ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं इस बार भी, तो इसे अच्छे से याद करें। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 72 का राइट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, एकदम राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन यही होगा, मतलब अभिक्रिया को पूरा करने के लिए OH आयनों के हटाकर किसके डाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दें तो ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। निम्न में अब नेक्स्ट ऑप्शन 73 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून है, मतलब नया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन नया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है CH3 होल टूआइस, एस आई एच थ्री होल टूआइस, बी एच थ्री होल टूआइस और या फिर पी एच थ्री
होल ट्वाइस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थ्री, यानी बी एच थ्री होल ट्वाइस राइट ऑप्शन है। तो आईपीओसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आईपीओसी नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर लिखा है कि यौगिक की संरचना जिसका आईपीएसी नाम क्या होगा, थ्री एथिल टू डाई टू हाइड्रोक्सी फोर मेथिल हेक्स थ्री इन आइनोनिसिन एसिड, निम्न में से कौन सा सही है, इसमें कौन सा, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसके राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका जो 74 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब यहाँ पर होगा जो कि आप लोग देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट 75 है, तो देखते हैं 75 की तरफ। तो 75 नंबर पूछ रहा है कि अधिक अणुभार वाले सिलिकॉन बहुलक के लिए निम्न में से कौन सा अधिक एक मोनोमर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन भी कुछ इस बार का दे रहे हैं, तो इसका हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जो उच्च अणुभार वाले सिलिकॉन होते हैं वो बहुलक को प्राप्त करने के लिए Me3SiCl को Cl को एकल बहुलक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक अपघटक होते हैं, क्योंकि ये जल अपघटक होते हैं, जो कि जल अपघटक पर Me3SiOH देते हैं, Me3SiOH प्रदान करते हैं, जिसमें केवल क्रियाशील स्थल होते हैं, अतः बहुलक प्रक्रिया के प्रथम के पश्चात रुक जाती है, इसलिए नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यानी थर्ड, Me3SiCl। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे अच्छे से आपने रीड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा अंतरकाशी यौगिक के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरकाशी यौगिक के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, तो इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है और वे रासायनिक रूप में सक्रिय होते हैं, या फिर शुद्ध धातु की तुलना में ये अधिक कठोर होते हैं और इनका गलनांक शुद्ध धातु से भी अधिक होता है। तो हम आपको बताते हैं, जो छोटे परमाणु जैसे HBCN3 आदि के अन्य तत्व के जालक में व्यवस्थित होने के लिए अंतर आणविक यौगिक प्रदान प्राप्त होते हैं, और ये अपनी धात्विकता चालकता को बनाए रखने के लिए भी रासायनिक गुणों के मूल रूप से धातु को समानता दर्शाते हैं, और परंतु भौतिक गुण जैसे कठोरता और गलनांक आदि को भिन्नता प्रकट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब भी रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, 77 में पूछ रहा है कि निम्न अणु में से किसकी पाई अवंध नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में वो दे रखे हैं CO2 दे रखा है उन्होंने, और सेकंड ऑप्शन में H2O, और थर्ड ऑप्शन में SO2, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है NO2। तो हम आपको बता दें 77 में कि दिए गए अणुओं में वो परमाणु की एकांकी योगमों के साथ उपस्थित होते हैं, एकांकी योगमों के साथ उपस्थित होते हैं, परंतु H2O में हाइड्रोजन पाई बंधता के लिए कोई रिक्त स्थान उपस्थित नहीं है। यही कारण है कि H2O मतलब जल में आवंद नहीं उपस्थित होते हैं, और बल्कि अन्य सभी में उपस्थित छम्मद मतलब पाई बंद बनने की संभावना होती है। तो इसमें फर्स्ट जो राइट ऑप्शन होता है वो होगा H2O। हम आपको बता दें एक बार फिर, जो जैसे बहुत सारे अणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन परमाणु की युग्म के साथ उपस्थित, परंतु हाइड्रोजन परमाणु में पाई बंद के लिए कोई रिक्त स्थान उपस्थित नहीं होता है। यही कारण है कि H2O में पाई बंद उपस्थित नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, जो 78 क्वेश्चन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 78 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिरोधी तथा विश्वक्रामी सूक्ष्म जीवों का निवास करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। निम्न में से जो सही कथन नहीं है उसे पहचानिए।
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है कि फिनॉल का 0.02% विलयन प्रतिरोधी है, जबकि 1% विलयन सक्रमण है। और यहाँ पर क्लोरीन व आयोडीन प्रबल विसंक्रामी की तरह प्रयोग आते हैं। यहाँ पर बेरिक अम्ल व हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का तनु विलयन प्रबल प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो है विषक्रामी जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम आपको बता दें, जो बोरिक अम्ल और हाइड्रोजन परमाणु पर ऑक्साइड जो बोरिक अम्ल और पर ऑक्साइड का तंतु विनिमय पूर्व प्रतिरोधी होता है, क्योंकि प्रतिरोधी और कीटनाशक दोनों ही या तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसी कारण वह प्रतिरोधी नहीं होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है कि निम्न इर्थनों में से कौन सा गर्म सांद्र HI से अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने दे रखी हैं ये, तो हम आपको बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो अधिक स्थायी कार्बोधनायन बनाने वाला ईंधन गर्म सांद्र HI के साथ CH3OH बनाता है। आप लोगों को पता है CH3HIOH बनाता है। जो कार्बोधनायन होते हैं की परिस्थिति सबसे कम होती है, मतलब 0% यहाँ पर 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, तो इसका राइट ऑप्शन वो होगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा, यानी CH3ROC यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है कि निम्न में से नायलॉन किसकी उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नायलॉन वाला। निम्न में से नायलॉन किसका उदाहरण होता है। तो हम बताएं आपको किसका उदाहरण है। जो निम्नलिखित नालक बहुलक की सामान्यतः संरचना निम्न है, इसकी जो संरचना निम्नलिखित है, तो इसका नायलॉन का कारण होता है पॉलीएमाइन। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नायलॉन का उदाहरण क्या है? पॉलीएमाइन, मतलब जो एमाइन बंध की उपस्थिति के कारण नायलॉन एक पॉलीएमाइड बनता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप तो समझदार हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं कि नाइट्रोबेंजीन 80 से 80-100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र HNO3 H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी। तो यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाइट्रोबेंजीन एक समूह ग्राही समूह होने के कारण OP स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है और मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसी दौरान नाइट्रीकरण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आयन, तो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हम आपको बताएं, तो यहाँ पर इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 1.2 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1.3 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1.4 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1.24 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो हम आपको राइट ऑप्शन बताएं वो होगा 1.3 डाई नाइट्रोबेंजीन, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 83 में कुछ मेटा निर्देशकारी प्रस्तापित एरोमेटिक प्रतिस्थापित के लिए दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक निष्क्रिय है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -C डबल बॉन्ड N, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है -SO3H, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है -C डबल HO और -NO2 राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 83 का राइट ऑप्शन होगा D, यानी -NO2। तो दिए गए समूह में विकसित क्षमता का क्रम इस प्रकार है, जो कि N-NH2 एरो इस प्रकार, तो N-NO2 संदिग्धता अधिक डीएक्टिवेटेड होगी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी आ गया है यहाँ पर। 84 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूरिया के 100 ml बिलियन में इसके 6.02 गुणा 10^20 अणु उपस्थित हैं, इस बिलियन की सांद्रता क्या होगी। तो हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो मोलों की संख्या यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर मोलों की संख्या देखिए 6.02 गुणा 10^20 और बटे एन ए, मतलब यहाँ पर जो मोलों की संख्या बटे एन ए यहाँ पर सूत्र के अनुसार दिया गया है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या दे रखी है प्लस एन ए की संख्या, यहाँ पर यही सेम जो एन ए की संख्या आप लोगों को पता है कितनी होती है, वो होती है 6.02 गुणा 10^23। तो यहाँ पर जब हमको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, इसे इरेज करके हो ना, क्योंकि अच्छे से इसे सॉल्व करवाता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर दे रखा है, आपको आप लोग समझ जाना, यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर दे रखा है यहाँ पर 6.02 गुणा 10^ आप लोग समझ जाना 20 दे रखा है यहाँ पर 20 बटे यहाँ पर जो जो एन ए की जो यहाँ पर एन ए उतार लेंगे तो एन ए की संख्या कितनी होगी, वो होगी 6.02 गुणा 10^23 होगी, 10^23 होगी। तो यहाँ पर 10 गांठें काट के 20 गांठें काट के तो इसका टोटल बचेगा, वो बचेगा 0. वो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो इसका पटेगा टोटल 1 × 10^-3 मोल। तो यहाँ पर तो इसका जो और जो बिलियन की आयतन होगा वो यानी 100 या फिर 3 का 3 को आप किसी भी डिवाइड करके एक से काट के इसका एक काट दीजिए तो इसका बचेगा पूरा 100, यानी मोलों की संख्या होगी वो 100 ml होगी, और 100 ml को बटे 1000 यहाँ पर कर देंगे, मतलब 3 में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 100/1000 कर देंगे। तो यहाँ से इसका जो कटेगा वो होगा 0.01 कटेगा। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से आपको प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं इसकी आपको पिक भेज दूंगा, आपको मुझसे भी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं ये, है ना। क्वेश्चन 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है, कौन सा ध्रुवीय अणु है, BF3 और बी वो SF4 SiF4 या फिर XeF4। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 85 का राइट ऑप्शन होगा, मतलब BaF4। अब वो कैसे होगा, तो अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93। यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है, तो हम बायोलॉजी का आपको टॉपिक कल पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, फिर आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने अगर पिछला वाला हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वाला पूरा वीडियो देखिए, जिसे अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की 100% हेल्प होगा। अगर आप सच में हमारे नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आप मंगवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पर जो कि मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 7618268595 यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और यही हमारा सब कुछ यही नंबर है, क्योंकि और इसका नोट्स का आपको बता दें, इसका चार्ज आपको 200 रुपये देना होगा, और इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर के व्हाट्सएप पर भेजना, मतलब ये व्हाट्सएप नंबर है और इसी नंबर पर आपको भेजना है, और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके भेजना है, और हम आपको इम्पोर्टेंट 5000 क्वेश्चन विथ सॉल्व के आपको अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराने, जो कि आपको 2020 इंट्रेंस एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे। अगर आप इच्छुक हों तो हमें मैसेज करें व्हाट्सएप के थ्रू, हम आपकी बात करेंगे और आपको 5 मिनट के अंदर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो हाई हो, अच्छा ही लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी अच्छी